तो हेलो एवरीवन, ये जो अपनी है ये अपनी पार्ट टू वीडियो है अपने स्कल बोन के ऊपर, जिसके अंदर आज अपन पूरा बात करने वाले हैं अपने नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस को। और उसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको इसको इस पूरे ऑक्सीपिटालिस के चार्ट से समझाऊंगा, और आपको ये चार्ट मेरी वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी पार्ट वन वीडियो में ही बता दिया था, ये जो अपना स्कल बोन जो होता है इसके पोस्टीरियर वाले व्यू को, मतलब जब अपन अपने स्कल बोन को पीछे से देखते हैं ना, तो उसे ही इस व्यू को अपन बोलते हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस। तो ये जो पूरा ये जो व्यू है अपना स्कल बोन का, उसे अपन बोलते हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस। तो अब अपन देखते हैं अपने नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस में कौन सी बोन है, कौन कौन से फ्यूचर हैं, और क्या इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जो कि मेनली वाइवा वगैरह में आपसे पूछेंगे। सबसे पहले अपन बात करें बोन की, तो अगर आप देखो आपको टोटल यहाँ पे तीन बोन देखने को आपको मिलेंगी मेनली। सबसे पहले अपन बात करें तो आपको अपने पूरे नॉर्मल ऑक्सीपिटालिस में देखने को मिलेगी ये दो पैराइटल बोन, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये दोनों अपनी है, दो पैराइटल बोन है। देन फिर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीपिटल बोन, देन आपको ये मिलेगा मस्टोइड पार्ट, जो कि अपना होता है टेम्पोरल बोन का। अब जितने लोगों को नहीं पता कि ये मस्टोइड पार्ट क्या है, तो मैं आपको बताऊं, अपना ये जो स्कल बोन का ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे अपन बोलते हैं टेम्पोरल बोन। तो ये है अपना टेम्पोरल बोन, और इस टेम्पोरल बोन में एक प्रोसेस रहती है पीछे की तरफ, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मस्टोइड प्रोसेस। तो जब अपन अपने स्कल बोन को पीछे से देखते हैं ना, तब आपको यहाँ पे इसका मस्टोइड पार्ट भी दिखता है। तो टोटल अपने नॉर्मल ऑक्सीपिटालिस में आती हैं दो पैराइटल बोन, एक ऑक्सीपिटल बोन, और अपना ये मस्टोइड पार्ट अपने टेम्पोरल बोन का, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए। देन फिर अपन बात करें यहाँ पे फ्यूचर्स की, तो मेनली यहाँ पे तीन मेन फ्यूचर होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। एक अपना होता है लैम्बॉइड फ्यूचर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आपको ये जो फ्यूचर देखने को मिल रहा है ना टेढ़ा सा फ्यूचर, इसे ही अपन बोलते हैं लैम्बॉइड फ्यूचर, जो कि अपने इस ऑक्सीपिटल बोन को इस पैराइटल बोन से जो है सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अपना यह है लैम्बॉइड फ्यूचर। देन फिर अपना एक यहाँ पे होता है ऑक्सीपिटो मस्टर्ड फ्यूचर, अब आपको यहाँ पे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अपना ऑक्सीपिटल बोन और ये जो मस्टोइड पार्ट जो है अपने टेम्पोरल बोन का, उनके बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना फ्यूचर, उसे अपन बोलते हैं ऑक्सीपिटो मस्टोइड फ्यूचर। उसके बाद यहाँ पे एक और फ्यूचर प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं पैराइटो मस्टोइड फ्यूचर, फिर से नाम से आपको इंडिकेट हो रहा है ये जो अपने पैराइटल बोन और ये मस्टोइड प्रोसेस के बीच में ये जो फ्यूचर है ना, इसे अपन बोलते हैं पैराइटो मस्टोइड फ्यूचर। तो टोटल यहाँ पे तीन फ्यूचर प्रेजेंट है, लैम्बॉइड फ्यूचर, एक ऑक्सीपिटो मस्टोइड फ्यूचर और एक पैराइटो मस्टोइड फ्यूचर। देन फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, मेनली वाइवा वगैरह में इंपॉर्टेंट फीचर्स आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो अपना है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। मेनली प्रोट्यूबरेंस आप आगे और भी मोस्ट में देखोगे, उसका मेनली मतलब होता है छोटा सा एलिवेशन, या फिर आप उसको हिंदी में बोलूँ मैं आपको, उभार जो होता है ना, उसे अपन बोलते हैं प्रो ट्यूबरेंस। तो यहाँ पे जब आप अपना स्कल्प बोन देखते हो, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा उभार देखने के लिए मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो ना उभार, उसे ही अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो ये जो आपको ऑक्सीपिटल बोन में पीछे की तरफ हल्का सा जो एलिवेशन देखने को मिलेगा, उसे अपन बोलेंगे पैराइटल, सॉरी उसे अपन बोलेंगे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। और उसी से ये जो एक लाइन जा रही है इस तरीके से दोनों तरफ, उसे अपन बोलते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन, और एक सेम लाइन ऐसे नीचे भी है ये, तो इसे अपन बोलेंगे इन्फीरियर न्यूकल लाइन। तो यहाँ पे एक है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, मेनली यहाँ पे अपना ट्रेपेजियम मसल जो है वो अटैच होती है। मैं यहाँ पे अटैचमेंट लिखना भूल गया, आप गूगल से और ऐड कर लेना सर्च करके कि क्या चीज़ यहाँ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस में अटैच है। देन सुपीरियर न्यूकल लाइन पे भी सेम अपना एक ऑक्सीपिटालिस मसल और एक ट्रेपेजियम मसल का ही ओरिजिन होता है। देन नीचे की तरफ ये है अपना एक्सटर्नल, सॉरी ये है अपना नीचे की तरफ इन्फीरियर न्यूकल लाइन। तो ये मेन जो है ना, ये अपने मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर हैं तीन। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा मस्टोइड फोरामेन। मैं आपको बताऊँ, ये जो फोरामेन है ना आप पीछे की तरफ देख रहे हो, इसे अपन बोलते हैं मस्टोइड फोरामेन। ये आपको मेरी ये जो बोन है ना, इसमें क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा, साइड में आप इमेज देख पा रहे हो, मैंने वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि अपन इसको बोलते हैं मस्टोइड फोरामेन। देन इस फोरामेन में मेनली अपनी इमेजनरी वेन्स जो होती है ना, ये उसके ट्रांसमिशन के लिए होता है। तो ये मैंने पूरा आपको नॉर्मल ऑक्सीपिटालिस बता दिया, और मेरी सारी वीडियो देखो आप, 5 मिनट से ज़्यादा की मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत
ज्यादा इजी वे में और जल्दी बताना चाहता हूँ, क्योंकि वाइवा के प्रिपरेशन के टाइम में अपने पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। देन नेक्स्ट वीडियो अपनी यहाँ पे होने वाली है नॉर्मल फ्रंटालिस के ऊपर, और इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।